राज्यपाल कलराज मिश्र का उत्तर प्रदेश दौरा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया भव्य स्वागत। गणपति प्लाजा में आयकर की छापेमारी को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा किसी सांसद के कहने पर जांच के लिए पहुंच जाती है ईडी और इनकम टैक्स, केंद्र ईडी की मिलीभगत से हो रही कार्रवाई। कांग्रेस मुख्यालय में सीएम अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। दिल्ली में कल राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, उम्मीदवारों के नाम और आगामी रणनीति पर मंथन, सीईसी की बैठक के बाद जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का अजमेर में स्वागत, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दी हाजिरी, कहा जल्द जारी होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। उदयपुर में एसीबी की कार्रवाई, नगर निगम के अधिशासी अभियंता को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, बिल पास कराने की अवेज में मांगी थी रिश्वत। बांसवाड़ा में अवैध मादक पदार्थ को लेकर बड़ी कार्रवाई, 2.99 ग्राम ब्राउन शुगर और गांजे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, गांजे के 42 छोटे बड़े पौधे बरामद। बांसवाड़ा में एसीबी की कार्रवाई, 80,000 की रिश्वत लेते विकास अधिकारी ट्रैप, विकास अधिकारी पूरणमल मीणा को किया गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का किया आयोजन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। उदयपुर में 40 किलो अवैध गांजे के पौधे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, सायरा थाना इलाके के खरनावियणिया गांव के पुलिस ने की कार्रवाई, वहीं कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा। खाजोवाला में विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निकाली गई बाइक रैली, तहसीलदार हरदीप सिंह सहित विभिन्न विभागों के कार्मिकों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हुए शामिल। आबू रोड में 13 फीट लंबे अजगर दिखने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। मतदाता को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत बीकानेर में बाइक रैली का किया आयोजन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अलवर के गोविंदगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, कई घायल। राजसमंद के कांकरोली में नवजात का छद विक्षत अवस्था में मिला शव, राजनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी, सलूस रोड मस्जिद के पास का मामला। भीलवाड़ा में वन विभाग की कार्रवाई, कार्गो ट्रक से करीब 200 किलो चंदन की लकड़ियां करी गई जब्त, आरोपी को किया गिरफ्तार। जोधपुर में पुलिस और सेना के जवानों ने निकाला रूट मार्च, डीसीपी पूर्व अमृता दोहन के नेतृत्व में लगातार पुलिस निकाल रही रूट मार्च। श्रीगंगानगर में नशा तस्कर की पर बड़ी कार्रवाई, साधुवाली में नशा तस्कर की 5 करोड़ की संपत्ति की सीज, मकान कृषि भूमि कार व बाइक को किया सीज। दौसा में हुकार भरेंगी प्रियंका गांधी, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका, मंत्री ममता भूपेश सहित अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। अलवर में दबंगों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े भरे बाजार में बाप बेटे को मारा चाकू, पुलिस ने घायलों को करवाया अस्पताल में भर्ती। डूंगरपुर की बीछीवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 30 लाख की शराब पकड़ी, दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर की देवड़ा पुलिस की कार्रवाई, 1,100 लीटर महुआ वॉश किया नष्ट, 20 लीटर देशी हथकर शराब और 27 बोतल बियर सहित दो आरोपी गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर भरतपुर में पुलिस और सीआरपीएफ कंपनी ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, आमजन को भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान करने का संदेश दिया। आबू रोड में दिनदहाड़े अज्ञात चोर बाइक लेकर हुए फरार, ओपेरा सिटी के सीसीटीवी कैमरे में घटनाक्रम हुआ कैद, दो युवक सीसीटीवी फुटेज में बाइक को ले जाते आए नजर। राजसमंद के आमेट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से मक्के की खड़ी फसल को हुआ नुकसान, 2 घंटे में फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, बाकावास ग्राम पंचायत की घटना।
डी के कामों में नगरपालिका की पार्किंग में खड़ी पुरानी गाड़ी में लगी आग। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, बड़ी हादसा होने से टला, लोगों ने हटाए अपने वाहन। चित्तौड़गढ़ में कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 12 लोग घायल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग पूरी तरह अलर्ट, अजमेर की रामगंज सांसी बस्ती से तय समय के बाद शराब बेचने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, 90 पौवे देशी शराब बरामद। सांचौर पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाई करते हुए 244 कार्टून शराब की बरामद, दो वाहन जब्त, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर डी पुलिस सक्रिय, 1,88,000 रुपए की बरामद, 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में किया गिरफ्तार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 आजाद समाज पार्टी ने जारी की सूची, 6 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। अनुगढ़ के 90 GB की रोही में मिले ग्रेनाइट बम का मामला, BSF ने मिट्टी में दबाकर किया डिफ्यूज, आमजन के आने जाने पर रही पाबंदी। हनुमानगढ़ के टाउन इलाके में संदिग्ध अवस्था में मिला व्यक्ति का शव, परिजनों ने पुलिस को दी आत्महत्या करने की सूचना, मृतक के शरीर पर मिले चोटों के निशान। पाली की सोजत में NH 162 जाडन टोल नाके पर लगा लंबा जाम, वाहनों की लगी लंबी कतारें, वाहन चालकों को हुई परेशानी। माउंट आबू में टाइगर पथ के पास दिखा पैंथर का मूवमेंट, जंगल के बीच एक चट्टान पर वीक्षण करता आया नजर, वन प्रेमी अनिल माथुर ने अपने कैमरे में किया कैद। जोधपुर से बिलाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ बरामद, 27,945 लीटर पेट्रोल बरामद, एक गिरफ्तार। RLB प्रमुख हनुमान बेनीवाल का ऋषपाल मिर्धा पर बड़ा तंज, कहा मिर्धा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। डीडवाना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, लाडनू और कुचामन में लावारिस हालत में मिले दो नवजात बच्चे, दोनों बच्चों को करवाया अस्पताल में भर्ती। चूरू के रतनगढ़ में चोरी हुई पिकअप, एक दिन में ही बरामद, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। धौलपुर में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी उतरे मैदान में, संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा और IG रुपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। अजमेर में शारदीय नवरात्र के 5वें दिन मां भारती परिवार की ओर से कन्या पूजन का किया गया आयोजन, 2100 कन्याओं को भोजन करवाकर लिया आशीर्वाद, शिक्षण सामग्री भी की भेंट। चाकसू में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और ITBP ने निकाला फ्लैग मार्च। जयपुर के SMS अस्पताल में पार्किंग विवाद, कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया तेज, नारेबाजी कर 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। भरतपुर में ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेले का हुआ शुभारंभ, ध्वजारोहण और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ परंपरागत तरीके से हुआ उद्घाटन, SP मृदुल कच्छावा रहे मुख्य अतिथि। अजमेर के पिसांगन में अवैध बजरी परिवहन करते हुए डंपर जब्त, आवश्यक दस्तावेज नहीं देने पर पुलिस ने की कार्रवाई, उलझने पर पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। सिरोही के रेवदर में गोचर भूमि पर हो रही खेती को रोकने की मांग, लोगों ने तहसीलदार मनोहर सिंह को सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ में मानसून की बेरुखी का असर, सीताफल की फसल पर दिखने को मिला, उत्पादन कम होने से काफी महंगे बिक रहे सीताफल। जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस की कार्रवाई, कार चुराने के मामले में वाहन चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से गाड़ी की चाबी बनाने वाला डिवाइस सहित 2 डोंगल और दस्तावेज किए बरामद। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 1 किलो 214 ग्राम गांजा किया जब्त। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नगरा सहित आसपास के इलाकों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च, निर्भीक होकर वोट डालने का किया आह्वान। सिरोही में तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पलटा, फोरलेन हाईवे पर स्थित सुरंग के अंदर पलटा कंटेनर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
ब्यावर शहर में दम तोड़ रही ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था, अजमेरी गेट होकर मसूदा रोड मार्ग पर लगा लंबा जाम, सैकड़ों वाहन जाम में फंसे। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, कस्बे में मिठाई और खाद्य सामग्री की दुकानों के लिए सैंपल, कार्रवाई से व्यापारियों में मचा हड़कंप। जोधपुर के लोहावट में पुलिस और बीएसएफ के हथियारबंद जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, कई प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद, भयमुक्त मतदान का दिया संदेश। हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से में संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण, जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार और पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने जांची व्यवस्था। अजमेर में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी की बिगड़ी तबीयत, आरोपी गौस मोहम्मद की बिगड़ी तबीयत, कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया जेएलएन अस्पताल। डीडवाना के मकराना में अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, चार कुख्यात बदमाश किए गिरफ्तार। बीकानेर स्टेट जीएसटी टीम पर हमले का मामला, झुंझुनू की बगड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर के बाड़ी में बाइक और एम्बुलेंस में आमने सामने की भिड़ंत, एम्बुलेंस चालक सहित बाइक पर सवार तीन लोग घायल, दो की हालत गंभीर। पाली के सुमेरपुर में महिलाओं ने निकाली जागरूकता रैली, पालिका अध्यक्ष ललित कुमार राकावत ने दिखाई हरी झंडी, नागरिकों से मतदान की अपील। अलवर रेलवे स्टेशन पर महिला बेरक का उद्घाटन, आईजी ज्योति कुमार सजीता ने फीता काटकर किया उद्घाटन। नीमका थाना के थोई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पिता की रिपोर्ट पर पुलिस की कार्रवाई, रेलवे स्टेशन से आरोपी को किया गिरफ्तार। बूंदी के देई थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार अधेड़ की हुई मौत, फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजसमंद की रेलमगरा पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में बियर और शराब की बरामद। अजमेर के पुष्कर में दान के नाम पर बड़ी ठगी, सोने की चेन और एक मंगलसूत्र ले उड़ा शातिर बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उदयपुर में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप, कारणों का नहीं हुआ खुलासा। जयपुर के विद्याधरनगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी का प्रचार अभियान, विद्याधरनगर के मंडलों की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। जैसलमेर में त्रिशक्ति मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर एक्सपीडिशन का आयोजन, दूसरे दिन माइक्रोलाइट फ्लाइंग लेक के साथ एक्सपीडिशन शुरू। शाहपुरा के फुलिया कलान में विधानसभा चुनाव को लेकर आईटीबीपी और पुलिस जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस उपाधीक्षक सुनील शर्मा और थानाधिकारी मुन्नीराम योचल भी रहे मौजूद। ब्यावर के विजयनगर में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, 5 बीघा चारा का भूमि से हटाया अतिक्रमण, भारी पुलिस जाप्ता रहा तैनात। नीमका थाना में वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए के अवैध खनन व्यापार को ध्वस्त कर दो चालकों को किया डिटेन, अवैध खनन कर रहे दो डंपरों को भी पकड़ा। पाली के बाली में मालगाड़ी के आगे कूदकर युवक ने की आत्महत्या, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। सिरोही के आबू रोड पर प्रशासन ने अवैध निर्माण कार्य पर की कार्रवाई, इको सेंसिटिव जोन में अवैध निर्माण कार्य पर की कार्रवाई, बिना स्वीकृति की आड़ में किया जा रहा था मंदिर निर्माण का कार्य। जयपुर में 4 आयकर अधिकारियों का तबादला, राज्य के 4 मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालयों में पड़ेगा प्रभाव, पीसीआईटी इरीना गर्ग के हस्ताक्षर से जारी हुए तबादला आदेश। लाडनू के विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक आयोजित, जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक, मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश। अजमेर से दिल दहला देने वाली घटना, बेटी और दोहिती ने उतारा वृद्धा को मौत के घाट, पुलिस कर रही मामले की जांच।
राजसमंद के देवगढ़ पुलिस की कार्रवाई, 96 अवैध शराब के पौवे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस का एक्शन। बीकानेर बॉर्डर के कितासर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, ट्रेलर ने टकराकर कार हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। हादसे में 4 घायल, 2 की हालत गंभीर। बीकानेर में फर्जी किन्नर पकड़ने का मामला, किन्नर बनकर घूम रहे हैं लड़के, बच्चों को उठाकर रुपए देने के लिए माता पिता को करते हैं मजबूर। मुस्कान बाई किन्नर ने फर्जी किन्नरों को पकड़ा। बीकानेर अनाज मंडियों में मूंगफली की आवक तेज, बिचौलियों पर प्रशासन का एक्शन। बिचौलियों और दलालों की सूची तैयार करने के लिए 7 टीमों का किया गठन। डूंगरपुर में पिंडावल गांव की खेड़ी बस्ती में लगी भीषण आग, करीब 40 से 50 लाख का सामान जलकर हुआ राख। दमकल और प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से पाया आग पर काबू। केकड़ी के हिंगताड़ा गांव में किसानों के बाड़े में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों से लगी आग ने किसान का चारा जलाकर किया राख। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। सुमेरपुर में जमाई बांध स्टेशन के पास मिला बुजुर्ग का शव, सूचना पर मौके पर जमा हुई भीड़। प्रथम दृष्टया ट्रेन से गिरने से लग रहा है मामला, मौके पर पहुंची पुलिस। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कितासर के पास ट्रेलर से कार की हुई भिड़ंत, कार सवार 2 व्यक्ति गंभीर घायल, एक को जिला अस्पताल किया रहा। सुरई में पिंडावाड़ा में वीर बाबूजी मंदिर के पास सड़क हादसा, आगे चल रहे ट्रक ने टकराया पीछे से चल रहा ट्रक, आधे घंटे तक पीछे चल रहे ट्रक के कैबिन में फंसा चालक। पाली के बाली में पुलिस फायरिंग में तस्कर की मौत का मामला, सुभाष विश्नोई के पोस्टमार्टम और शव उठाने पर सहमति, पुलिस प्रशासन परिजन और समाज के बीच बनी सहमति। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7.5 ग्राम अवैध चिट्टे समेत आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 29 स्मार्टफोन भी बरामद। अलवर पुलिस ने बीरनवास चौकी पर की नाकाबंदी, एक व्यक्ति को 50 लाख कैश के साथ किया गिरफ्तार। अलग अलग बैंकों के 21 एटीएम किए जब्त। दौसा में एसपी वंदिता राणा का सख्त एक्शन, नाकाबंदी के वक्त रुपए निकालने वाले कर्मियों को मिली 2 दिन की रिमांड। एसपी के चारों पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। नीमका थाना में सीआईएसएफ और पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, विधानसभा चुनाव को लेकर निकाला फ्लैग मार्च, आमजन से की निर्भय होकर मतदान की अपील। नागौर के मिर्ता में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध दुकान से की शराब बरामद, शराब बिक्री की रकम समेत सेल्समैन को किया गिरफ्तार। नागौर के लाडनू में चुनाव को लेकर बैठक, मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी समेत उच्च अधिकारी रहे मौजूद।